जी देखो, जैसे हमने बोला ना डेस्कटॉप सपोर्ट या नेटवर्क सपोर्ट, ये L1 ही है सारा। लेयर वन का गेम है जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोफेशनल होना सीखते हैं। मैं अगर अपने उससे बात करूँ टेक्निकल टर्म्स में, तो बोलो कि जहाँ पे आपको बेसिक चीजें, छोट मोट इंटरनेट नहीं चल रहा, ईमेल नहीं चल रही है ना, कोई केबलिंग का इशू है, वो सारे जब काम करने पड़ते हैं, प्रिंटर वगैरह नहीं चल रहे ना, डिवाइस ड्राइवर की कोई प्रॉब्लम है, वो Layer 1 है। Layer 2 है जब आप हायर एक्सपीरियंस प्लस हायर सर्टिफाइड लोगों के पास, जैसे मैंने बोला ना CCNA ने मान लो एंट्री लेवल है L1 के लिए, L2 पे जाने के लिए, मोर एक्सपीरियंस पे जाने के लिए आपको CCNP करना पड़ता है। तो दैट इज L2, जहाँ पे आप हायर जो चैलेंजिंग इश्यूज है वो हैंडल करते हो। फिर L3 होता है जो कोर टीम होती है किसी भी नेटवर्क की या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो इशू फंस गए हैं, किसी से सॉल्व नहीं हो रहे हैं या फिर किसी भी लेवल पे, वो फिर वहां पे जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट एक क्वेश्चन में बोला था, टैक जो टीम होती है ना, जैसे सिस्को की टैक है या जूनिपर की टैक है, उनके अंदर ऐसे लोग बैठे होते हैं जो L2 L3 बंदे होते हैं, तो वो 10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, या फिर कोई बहुत हाईली ब्रिलियंट बंदा है 5-7 साल, प्लस वो CCI लेवल का, JCIE लेवल का, या HCIE अगर वो आवे की, क्योंकि हर किसी के अपने सर्टिफिकेशन होते हैं। तो दैट्स द वे आई गेस, L1 L2 L3, लेस एक्सपीरियंस्ड या फिर टोटली नो एक्सपीरियंस, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस एंड वास्ट एक्सपीरियंस।